तो हो सकता है आप लोगों ने ये लैम्बोर्गिनी को जरूर से देखा होगा, ये एलेक्स सोई का लैम्बोर्गिनी हुराकन है, कुछ ज्यादा ही ये फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है। तो आज हम लोग इसको ड्राइव करने वाले हैं एसेटो कोर्सा में, एंड ये एसआरपी मैप है जहाँ पे भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। एलेक्स सोई का एक खास बात यह है ना, सामने में देख रहे हो यहाँ पे उसने मोबाइल चार्जर लगा के रखा है जो कि वायरलेस है। बहुत ही मतलब क्रेजी मॉडिफिकेशन इस लैम्बोर्गिनी हुराकन में है। पीछे में जो इसका एग्जॉस्ट टिप है ना, इसको आपको दिखाता मैं। ये देखो कैसे फ्लेम्स निकलते हैं, ये पूरा फ्लेम थ्रोअर है पीछे से। तो आज हम लोग इसी को अच्छे से ड्राइव करने वाले हैं। तो मेरे को सीट अपना एडजस्ट करना पड़ेगा, चलते हैं। आई थिंक अब सही है। ओके चलते हैं लैम्बोर्गिनी हुराकन एलेक्स सोई का कार को ड्राइव करने। स्टार्ट करेंगे हम लोग थोड़ा स्लोली, क्योंकि यार कुछ ज्यादा ही हॉर्स पावर इस कार में है। आपको इसका इंटीरियर का लुक दिखाता हूँ, एकदम बेसिक है इंटीरियर से, लाइक जो लैम्बोर्गिनी का बेसिक इंटीरियर रहता है वैसी है। जो इसका मतलब मॉडिफिकेशन हुआ है ना बाहर से हुआ है, मतलब एकदम क्रेजी वाला मॉडिफिकेशन, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे सेकंड गियर में फुल किया ब्रो, यहाँ पे यार 130-140 तो एकदम ईजी पहुंच रहा है। ओ भाई बहुत ज्यादा क्विक है ये, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सेफ भी रहना पड़ेगा, मेरे को ठोकना नहीं है भाई। यार ये ना फुल्ली फ्लेम थ्रोअर वाली कार है। अब मैं ये सोच रहा हूँ इसका माइलेज कितना होगा, क्योंकि इतना ज्यादा फ्लेम जो निकल रहा है ना, ये मिस फायर ही होता है। ट्रक के नीचे से चलते हैं इस बार। भाई ट्रक रोकना मत, अरे कहाँ से ठोक दिए। टनल में इसका साउंड सुनो यार, बहुत ही क्रेजी है। ओके यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है तो उन लोगों को भाई भगाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता यहाँ पे कुछ ज्यादा ट्रैफिक हो जाए। ऑलरेडी यहाँ पे ये सब पूरा पैक्ड है ट्रैफिक कार से। हम लोग ना इसका टॉप स्पीड चेक भी करेंगे, कितना इसका टॉप स्पीड जाता है उसके लिए। लेकिन मेरे को 3 लेन रोड में जाना पड़ेगा, एंड 3 लेन रोड ना पहुंच जाएंगे हम लोग थोड़ी देर में। भाई 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 आराम से, यहाँ पे बारिश में चलाने का तो और ही मजा है एक्चुअली। ऑलमोस्ट हम लोग ना 3 लेन रोड पास पहुंचने वाले हैं, बट यार यहाँ पे बारिश हो रही है ना हल्का फुल्का। इसका ना पीछे का जो टायर है स्किड कर रहा है, मतलब ट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया है कार का। स्टिल हम लोग को स्लो तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग इसका टॉप स्पीड तो चेक करके रहेंगे ही। बारिश हो या चाहे कुछ भी हो, बस हम लोग यहाँ पे जगह देते डॉज वाला। मेरे को ना अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लगता है इस कार को चलाने में। एक तो ये 2 लेन रोड है एंड दोनों साइड पूरे ट्रैफिक पैक्ड है। मैं नहीं चाहता कि मैं एकदम क्रैश करूं इसको। ओके फिलहाल तो सही चल रहे हैं। अगर आप लोग को इस गेम के बारे में नहीं पता, ये इस गेम का नाम है एसेटो कोर्सा। ये गेम ना फुल्ली सिमुलेटर गेम है, स्टीयरिंग व्हील से खेलने में इसमें ना फुल रियलिस्टिक फीलिंग आती है। भाई यार बहुत ही एकदम पैक्ड वाला है। 2 लेन रोड में चलाने में इतना मजा नहीं आता जितना 3 लेन में आता है। 3 लेन में क्या रहेगा, हम लोग को ना एक वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला ट्रक मिलता है जिसके नीचे से हम लोग भाई क्रॉस करके जा सकते हैं, मतलब एक लेन से दूसरे लेन। फिलहाल अभी इस ट्रैफिक से मैं किस तरीके से भगाने का ट्राई करता हूँ निकलने का। मेरे ख्याल से ना ये कार जो है ना 24/7 फ्लेम छोड़ते रहेगा अगर हम लोग इसको ड्राइव करते रहेंगे। इसका इंजन कितना हीट होता होगा। भाई यार जगह दे दो, यहाँ पे फिर से बारिश स्टार्ट होने वाला है। अभी वेदर चेंज हो गया अचानक से, बट हम लोग ऑलमोस्ट 3 लेन रोड पर पहुंच गए हैं जहाँ पे हम लोग इसका टॉप स्पीड रन करेंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग 3 लेन रोड पर तो पहुंच गए हैं। अभी इसका टाइम है हम लोग को इसका टॉप स्पीड चेक करने का, ये लैम्बोर्गिनी हुराकन का। टॉप स्पीड रन के लिए ना मैं फर्स्ट पर्सन कैमरा यूज करूंगा। यहाँ से हम लोग सभी स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स गो। ओ फर्स्ट गियर फुल किया एंड सेकंड गियर, देखते हैं कितना भागता है मेरे को। बट यहाँ पे ना देखना पड़ेगा ट्रैफिक है, देखो जैसे यहाँ पे हम लोग को रुकना पड़ा। फुल टॉप स्पीड रन के लिए ना मेरे को थोड़ा एम्प्टी स्पेस चाहिए ट्रैफिक में। आगे में ना एक ब्रिज आएगा जहाँ पे टॉप स्पीड रन हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। मतलब ना यहाँ पे हम लोग को फुल स्पीड में जाने का कोई भी चांस नहीं, इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना यहाँ पे। वो ब्रिज का हम लोग को वेट करना ही पड़ेगा। वहां से ब्रिज में ना मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा इसका टॉप स्पीड चेक करने का। भाई नाइट के टाइम इसका फ्लेम्स देखो कितने अमेजिंग दिखता है। यहाँ पे ना ये लेफ्ट मोस्ट लेन में भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं भगाने का। अभी हम लोग 6th गियर पे हैं, अराउंड 320 स्पीड गया है। ओके देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक कम होने लग गया, एंड जैसे ही मैंने बोला यहाँ पे हल्का सा क्रैश। ये बारिश की वजह से इसका जो रियर एंड है कार का ना वो स्लाइड कर रहा है, क्योंकि ट्रैक्शन कम मिल रहा है यहाँ पे। ओ भाई पूरा पैक्ड था किसी तरीके से निकला। ओ भाई यहाँ पे टायर्स को क्या हो गया, हम लोग का यहाँ पे एक टायर ही बाहर निकल गया है। एंड यहाँ पे टॉप स्पीड रन जो था हम लोग को यहाँ पे थोड़ा डिले करना पड़ेगा, हम लोग को फिर से टायर को रिपेयर करके आना पड़ेगा। ओके तो फिलहाल अभी हम लोग फिर से वापस उसी एरिया पे आ गए हैं जहाँ पे हम लोग का ब्रिज आने वाला है, पूरा स्ट्रेट वाला है। आई थिंक ये ब्रिज स्टार्ट होगा ही कुछ टाइम में, बट यहाँ पे मेरे को फिर से सेफ रहना ही पड़ेगा। मैं बार बार क्रैश क्यों कर रहा हूँ यार,
यहाँ पे शायद कुछ ज्यादा ही पीयर प्रेशर हो गया है कि मेरे को इसका टॉप स्पीड रन करना है, तो इसीलिए मैं क्रैश कर रहा हूँ। लेट्स होप हम लोग टॉप स्पीड में ना क्रैश करें, एंड ऐसा ना हो कि फिर से वहाँ पे हम लोग का टायर कुछ या तो बॉडी खराब हो जाए जिससे हम लोग को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से हम लोगों ने क्रैश किया एंड हम लोग वापस स्पिट में फेंका के आ गए। तो यार मेरे को लग नहीं रहा कि आज मैं इसका टॉप स्पीड रन कर पाऊंगा। लेट्स सी, ये जो एरिया यहीं पे हम लोग ट्राई करते हैं इसमें टॉप स्पीड रन करने का। इस बार ना मैं डिफरेंट कैमरा यूज करके देखता हूँ। इस बार हम लोग ये कैमरा यूज करते हैं एंड यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं इस बार रुकूंगा नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज ये कार में इतना ज्यादा क्रैश कर रहा हूँ मैं, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, यहाँ पे सेफ रहना पड़ेगा। मैं ना ये लेफ्ट मोस्ट लेन यूज करूंगा टॉप स्पीड रन के लिए, बिकॉज ये ऑलमोस्ट हमेशा एम्प्टी रहता है, बट कहीं कहीं पे हम लोगों को ना ये मिलता नहीं है, जगह बनाना पड़ेगा उसके लिए। अभी सेवेंथ गियर पे हैं, 360 टच किया है, आई थिंक 370 जाएगा। यस, आई थिंक यही इसका टॉप स्पीड हो सकता है, 370, 380 गया है। ओके, थोड़ा टर्न है तो ब्रेक, एंड भाई टनल आ गया। ओके, अभी यहाँ पे बीच में भगा के देखते हैं। ऑब्वियसली मैं क्रैश तो करूंगा, इतना हाई स्पीड है क्योंकि इसका, बट आई थिंक यहाँ पे ना 380 टच किया था, 381 मैंने देखा था, तो हो सकता है 381 इसका टॉप स्पीड हो। ऑब्वियसली अगर स्लोप रहेगा तो ज़्यादा टॉप स्पीड हो सकता है, बट फिलहाल अभी हम लोग इसमें 380 मानेंगे क्योंकि बहुत बार मैं क्रैश कर चुका हूँ। बाकी आई एम ट्राइंग कि यहाँ पे मेरा जो स्किल है और धीरे धीरे डेवलप हो, क्योंकि यार मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाना चाह रहा हूँ, इवन ड्रिफ्टिंग के मैं कंटेंट लाना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग इसी टाइप का कंटेंट एंड ड्रिफ्टिंग कंटेंट पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आगे ऐसा वीडियो लाऊंगा आप उसको मिस ना करो। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, एंड इसी टाइप के अगर आपके पास और कोई डिफरेंट कार्स देखना चाह रहे हो आप तो कमेंट करके वो भी मेरे को बता सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो पे।